रणवीर मुन्ना लो प्रसाद लो। बस ना इतना सा प्रसाद पूजा में इतनी देर लगा दी कि खड़े खड़े पांव दुखने लगे। तेरा जी कभी भरेगा भी, ले और ले। और अब जा स्कूल का वक्त हो रहा है। हाँ हाँ छुट्टे हैं। ये ले अपना छुट्टा। अरे बिस्कुट के डब्बे कहाँ गए? अबे चुरसिया, अबे चुरसिया, चुरसिया के बच्चे। अच्छा देख लूंगा, सबको पहचानता हूँ। एक दिन तो रगे हाथ पकड़े जाएंगे। पंजा ये दिखा। नए पत्ते खरीद कर लाया था ना बच्चू? अबे हार जीत ताश के अच्छे होने से नहीं, पत्ते अच्छे निकलने पर होती है, समझा? फिर से पत्ते बांट। पहले माल दिखा। ये ले माल के बदले किताब लगाता हूँ। ये स्कूल नहीं है बेटा, यहाँ तो रोकड़ा मनता है, रोकड़ा। अबे माँ ने 2 रुपए में खरीदी थी, कम से कम 1 रुपए में तो बिकेगी। तो अपनी माँ को ही जाकर बेच क्या? मेरी माँ को मांगने तो बदान खींच लूंगा। अबे जा। 100 साले का पेट फाड़ कर भूसाना भर दूं तो मेरा नाम भी मंगल नहीं। ये तुम्हारा ही हृदय पार्वती, जो इतनी कम उम्र में विधवा होकर तुमने हिम्मत नहीं हारी। मेरे 2 लाल जो हैं। अरे माँ जल्दी से कुछ खाना खाने को दो ना, बहुत भूख लगी। अच्छा पार्वती मैं चलती हूँ। मुन्ने मेरी साड़ी के पल्लू से बंधा हुआ 2 रुपए का नोट तूने निकाला था? मैंने? नहीं तो। सच बोल रहा है ना? मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं माँ, जल्दी से खाना दो। 1000 बार कहा है कि अपनी चीजें ढंग से रखा करो। ये तेरे बैग में ताश कहाँ से आ गई? बोल ये ताश कैसे निकली तेरे बैग से? मुझे क्या मालूम, किसी बदमाश लड़के ने डाल दी होगी। और तू तो बड़ा शरीफ लड़का है ना, सच सच बता कहाँ से आई ये ताश? बेकार गले मत पड़ माँ, बोल देता हूँ मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। मुन्ना माँ को धमकी देता है और यह जो मुझे चोर कहते हैं उसका कुछ नहीं। तू चोर है, चोर है, सब आ चोर है, बदमाश है, लफंगा है। जाने देना माँ, ये फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, मैं जो कहता हूँ। ये कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा, इससे तो मैं हार गई। मुन्ना तू माँ का दिल क्यों दुखाता है रे? देख तू हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाती है। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि तू बड़ा होकर नेक सच्चा और ईमानदार आदमी बने, ऐसे काम करे जिसे देखकर हमारा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। किए इसने अच्छे काम, चलो आओ खाना खा लो। चला मुन्ना। माँ मुन्ने को बुलाओ ना। थाली परोसी हुई है, उसे भूख होगी तो आके खा लेगा, तू बैठ जाए। माँ और तुम्हारी थाली? मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है। भैया खाना खा ले, माँ भी खाएगी।
ले माँ खा ले, मुंह खोल, मेरे हाथ से अच्छा लगेगा, मैं मुन्ना हूं ना तेरा, मेरे भी हाथ से खा लेना माँ। माँ बदमाश, आज इसकी चमड़ी उधेर कर रखूंगा। क्या चाहिए सेठ जी, बोलो तो क्या चाहिए? पैंट को लगाने का पट्टा है? पट्टा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे हैं? पैसे भी हैं, जरा बताओ तो। बताता हूँ अभी बताता हूँ। आज तो बहुत बड़ा हाथ मारा है देख। तुझे से क्या, मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या बात है, बोला? मुन्ना की जान खतरे में है। क्या? हाँ, मंगल और उसकी टोली ने उसको घेर लिया है, उसके हाथ में चाकू भी है। मुन्ना, मुन्ना, माँ, 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 तुझे क्या हुआ माँ? माँ, तू बोलती क्यों नहीं? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या हुआ माँ? माँ, माँ, मैंने तुझे बहुत सताया है ना, बहुत दुखाया है, बहुत जलाया है। तू रूठती थी तो मैं बना लेता था, अब मेरे हाथ से खाएगी भी नहीं, मुझे मारेगी भी नहीं। मार, मुझे मार, मुझे मार, मैंने तुझे मार डाला मार, मैंने तुझे मार डाला। मुन्ना, तू चाहती थी ना माँ कि मैं अच्छा बनूं, नेक बनूं? ले माँ, मैं सौगंध कहता हूँ कि आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा। तेरे ममता की सौगंध, तेरे लाड की सौगंध, तेरे प्यार की सौगंध। माँ, मेरी माँ। चलो। सर, बच्चे के कपड़े ठीक है, पहना दो। Ah!
अरे भाई इधर दो प्लेट आलू मटर दो, और वो पानी क्या मैं दूंगा? सेठ जी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। भूखा है तो मैं क्या करूँ, जाके ही जाके भीख मांग। मैं भिखारी नहीं हूँ सेठ जी, भगवान के लिए मुझे नौकर रख लीजिए, मैं झूठे बर्तन साफ करूँगा, सिर्फ दो वक्त की रोटी देना। झूठे बर्तन साफ करूँगा? अबे तेरे को चोरी का बड़ा अच्छा तरीका सिखाया तेरी माँ ने। ठीक जी मेरी माँ को गाली मत दीजिए। अबे अभी तो गिड़गड़ा रहा था और अभी आंखें दिखाने लगा। वाह देवी माँ वाह, आज मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। अगर आज वो जिंदा होती तो मुझे इस हाल में देखकर उसका दिल रो उठता, लेकिन तू तो पत्थर की मूर्ति है, तेरा दिल भी पत्थर का है, तू मुझे दे भी क्या सकती है। लेकिन मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद इस कमजोर रणवीर का दिल भी पत्थर का हो गया। अगर शक्ति की ही जीत है तो मैं ये शक्ति पाकर रहूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस उम्र में जेबें काटते हो? इस बच्चे को देखो, तुम्हारी उम्र का है, तुम चोरियां करते हो और ये कानून की मदद। बदमाश कहीं के, बंद कर दो ले जाकर। अब जा सकते हैं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। इट्स ऑल राइट। ठहरो बेटा, लो जी। ले लो बेटे। जी नहीं, मैंने किसी लालच में आकर उस चोर को नहीं पकड़वाया था। शाबाश, जीते रहो बेटा। बेटे बेटे जी। इधर आओ इधर आओ, मेरे पास इधर आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम किसी शरीफ खानदान के लड़के लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? रविंद्र। लो चाय पियो। बेटा सरकार से मुझे ये मेडल मिला था एक बहुत बड़े चोर को पकड़ने के इनाम में, मगर मैं समझता हूँ कि इसके ज्यादा हकदार तुम हो। बेटे खुदा तुम्हें सलामत रखे, अगर तुम समाज की बुराइयों को इसी तरह दूर करते रहे तो सरकार से तुम्हें इनाम मिलेगा, रुपया मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी। आज तुम्हारे सीने पर यह मेडल लगाकर मैं बेहद फख्र महसूस कर रहा हूँ। ये कमबख्त कहां से आ गया? अरे चलो भागो भागो। बाप रे ये यहां भी चला आया। चलो किसको जाते सुनो। मुझे बचा ले बेटे, इन जालिमों से मुझे बचा ले। मैं बेवा हूँ बेटे, मकान मालिक ने किराया वसूल करने के लिए इन गुंडों को भेजा है जिन्होंने मेरा सारा सामान बाहर बिकवा दिया है। मुझे बचा ले मेरे लाल। उठो माँ। माँ की जगह बेटे के पैरों में नहीं पलकों में होती है। रवि बाबू, ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, रामनगर है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है, समझे? रामनगर में रावण की हुकूमत? चलो आज इसका भी फैसला हो जाए। क्या बहुत चौड़ी छाती है हाँ? अभी पता चल जाएगा। चार पैसे और रवि बाबू को उठा के ले आने के लिए।
रही है। बहुत गुंडे पकड़वाए हैं ना तुमने, बहुत इनाम जीते हैं। अब ये मेडल तू ही मुझे उठा कर देगा। मान गए उस्ताद, सरकारी माल खा खा के बहुत चर्बी आ गई है। मैं कहता हूं मेडल उठाकर दे। चार भाई गोटा, यहां रख सब सामान उठाकर अंदर रखो। हाँ उस्ताद। चल वो मेडल उठाकर दे। अबे यारे, अपनी महबूबा को कोठे से भगा ले जाने की तो तेरे में हिम्मत नहीं। ये लो। लीजिए साहब एक और गुंडा। ले जाओ, बंद कर दो इसे। इस एक हफ्ते में चौथा गुंडा है जिसे तुमने पकड़वाया है। चाय पियो। आपकी से कप चाय पर तो मेरा बचपन से हक बनता। क्यों नहीं, इसी तरह मेरा भी हक तुम पे है। रवि, तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? बिना वर्दी के काम चल जाता है साहब, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? अपने तौर पे कानून की मदद जो मैं करता हूँ उसके दो कारण हैं। एक तो मेरे माँ और भैया के दिए हुए आदर्श, और दूसरा आपका दिया हुआ ये मेडल। इन दोनों ने मेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है, वरना आज मैं भी वही होता जिन्हें मैं पकड़वाता हूँ। रवि, एक तरह से तुम सोशल वर्कर हो, सिर्फ तुम्हारा ढंग अलग है। हाँ साहब, मेरी यही कोशिश है कि जहाँ तक हो सके आसपास की तमाम गंदगी को दूर कर दूँ। जुग जुग जियो मेरी बेटी, तुझे दुआएं देती हूँ कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, लेकिन फिर सोचती हूँ क्या मेरी उम्र ही कितनी रह गई है। माँ जी, और रियाज की जरूरत है, पैर ठीक तरह से नहीं पड़ता। अरे बेटी, ये पांव जब कदरदानों के दिलों पर पड़ेंगे तब इन घुंघरों से वो झनकार पैदा होगी। कौन रवि? आओ आओ, सुना है रात तुमने फिर कोई हंगामा किया है? कुछ हंगामे तुम कर रही हो मुन्नी भाई,
कुछ हंगामे मैं कर रहा हूं। रेशमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मां जी जाओ मिलाओ। आप भी इस छोकरे को ज्यादा सिर चढ़ाए हुए हैं मुन्नी भाई। भला इस हवेली में इस लौंडे की औकात ही क्या है? आप तबला बजाते रहिए, मुझे इस मोहल्ले में इज्जत के साथ रहना है। रवि बेटे बोलो। जान अंकल। रवि, तुम लोगों पर इतना उपकार करते रहते हो, एक छोटा सा उपकार मुझ पर भी कर दो। कैसा उपकार? जब कभी तुम अपने बाजे पर अपनी फेवरेट धुन बजाते हो, मैं अक्सर तुम्हारी खिड़की के बाहर बैठा सुनता रहता हूँ। मन को बहुत शांति मिलती है, जैसे वो धुन दिल के तारों से निकली हुई है। मैं चाहता हूँ वही धुन इस बेजान वायलिन के तारों से भी निकले। क्या बात है कलवा, इतने गुस्से में क्यों भाई? ले कलवा, ये चूड़ियां काट दे, राणा की कलाई में शोभा नहीं देती। काट। बरसों से तेरी हथकड़ियां मैं काटता आया हूं, आज तूने दुकान बदल ली। अच्छा इस बात का गुस्सा है? अरे कलवा, मेरी चौड़ी छाती देख और ये कागज की चूड़ियां देख, जेल की रोटी में बहुत ताकत है कलवा। जेल की रोटियां सबको रास्त नहीं आती है राणा, सिर्फ एक बार जेल गया था, एक बार। जब अंदर गया था तो मेरी लंबाई 6.5 फुट की थी, और जब मैं बाहर आया तो कुत्ता भी मुझे ऊंट नजर आने लगा। अरे जेल तुझ जैसे बुजदिलों के लिए थोड़ी है, वो तो हम जैसे लोगों के लिए तफरी की एक जगह है। तफरी की खूब खाते खूब फैलते। चल इधर दिखा तेरी कारीगरी। ये 24वीं हथकड़ी है, 25वीं पे एक साथ मिलकर सिल्वर जुबली मना लेंगे। चल देख। ठीक है, मगर ये शुभ काम मैं आखिरी बार कर रहा हूं, ये समझ लो। क्यों राणा, इन हथकड़ियों को काटे काटते मेरे काले बालों में सफेदी लग गई, मगर दिन ब दिन तुम अपने मुंह पर कालक मल रहे हो। मुझे देखो, मैं दिन रात इस भट्टी में झुलसता हूँ, मगर ये शांति तो है कि मैं लोहा पिघलाता हूँ और एक तुम हो कि मेरी किसी बात का तुम पर असर नहीं होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब तुम मेरा इतना मान रखते हो तो एक बात और मान लो, छोड़ दो ये धंधे और एक शरीफ और ईमानदार आदमी बन जा।
शराफत और ईमानदारी का साथ तो उसी दिन छूट गया था कलवा, जिस दिन दुनिया वालों ने कुत्ते की तरह धुतकारा था मुझे। अगर मेहनत और ईमानदारी से पेट भरने देते तो क्या बिगड़ जाता किसी का, बोलो क्या बिगड़ जाता किसी का। एक भोले भाले मासूम रणवीर से राणा बना दिया मुझे, राणा दरिंदा खूंखार राणा, जिसे लोग नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत और कुछ भी नहीं। अब तो आदत सी हो गई, जितनी नफरत लोग करते हैं उतना मजा आता है मुझे, हाँ उतना मजा आता है। खैर छोड़ो इन बातों को, रानी का कुछ पता है, अब तो वही जिंदगी का सहारा है। हेलो रानी, आज तुम्हारे जादू के शो में तुम्हें एक जादू और दिखाना है। वो क्या? रानी ये 10 रुपए के हीरे हैं, सिर्फ 10 रुपए के, जिन्हें तुम्हें 10 लाख का बनाना है। वो कैसे? आज तुम्हारा आइटम देखने के लिए हीरों का एक बहुत बड़ा सौदागर आ रहा है, तुम्हें अपनी हाथ की सफाई से यह काम करना है। यू मीन गिली 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 जिंदाबाद? गिली गिली जिंदाबाद। और हाँ एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। वो क्या? राणा पुलिस की हिरासत से भाग निकला है। रियली? लेकिन राणा के बारे में तुम कैसे जानते हो? मेरे पास हर शरीफ आदमी की लिस्ट है, और मैं ये भी जानता हूँ रानी कि तुम्हारे और राणा के बीच एक बहुत सॉलिड रिश्ता है प्यार का। जब वो तुमसे मिलने आए तो मुझसे जरूर मिलवाना। जरूर मिलवाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने एक जादू का खेल पेश किया जाएगा जिसका नाम है गिली गिली छू। यक तुक मिगला गिगला बोला, गिली 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 बोला, गिली 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 Meow.
दिमाग से खेलने की आदत अच्छी नहीं। सच कहा तुमने, मगर जिसे शोलों से खेलने की आदत हो, तुम जैसे शोलों से, वो छोटी मोटी चिंगारियों से झुलसता नहीं। ये रुस्तम जिसकी तुमने बात की अभी, ये नाम का ही रुस्तम है या काम का भी? लेकिन उसके काम जरा मुश्किल होते हैं। रुस्तम के काम मुश्किल हो सकते हैं, मेरे लिए नामुमकिन नहीं। इसलिए तो वो तुमसे मिलना चाहता है, मिलोगे ना? सोचेंगे। कई बार मना किया, मेरे जख्म मत छुआ करो। ये जख्म हरा तो नहीं, इसे सूखे हुए भी बरसों हो गए। ये जख्म बरसों से हरा है, बरसों तक हरा रहेगा। इस जख्म के पर्दों में मेरा माजी छुपा है रानी, एक दाग मेरी पीठ पर है, दूसरा दाग मेरी जिंदगी पर। ये निशान तुम्हें किसने लगाया, ये तुमने कभी नहीं बताया। जिसने मुझे ये निशान लगाया, तब मैं उससे बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन तब मैं शरीफ और ईमानदार भी तो था, और अब मुझे उसकी भी तलाश है, और जिसके लिए ये जख्म मेरी पीठ पे लगा है, उसे एक बार अपने सीने से लगा लेने की बहुत बड़ी तड़प है रानी। कभी कभी सोचती हूँ, इतना प्यार होने पर भी तुम मेरे लिए किसी रात से कम नहीं। चलो आज रात रुस्तम से मिलते, जब दो ताकतें मिलेंगी तो कई राज फाश हो जाएंगे। आप हैं पारस होटल के मालिक मिस्टर रुस्तम, और तुम राणा हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इस शहर की सारी पुलिस तुम्हारे पीछे है, और सारी दुनिया की पुलिस आपके पीछे। और क्या जानते हो मेरे बारे में? वही जो एक चोर दूसरे चोर के बारे में जानता है। गुड। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही तलाश थी। राणा, महीने में दो बार लाखों रुपए का मेरा सोना, कीमती सामान बाहर के मुल्कों से यहां आता है, लेकिन पुलिस या कोई दूसरा गिरोह उसे रास्ते में ही जब्त कर लेता है। आज के बाद आपका माल हिफाजत से आप तक पहुंच जाएगा। हाथ मिलाओ। हाथ मिलाऊंगा। राणा राणा, तंग आ गया हूं मैं इस काम से। राणा न हुआ कोई अजूबा हो गया है, और तुम लोगों की राणा के नाम से सांप सूंघ जाता है। कब माल आ रहा है? रुस्तम का माल कब आ रहा है? 3 दिन बाद सर, लाखों रुपए का सोना है। ठीक है, इस बार माल लेने हम खुद जाएंगे, देखते हैं कि राखी से राणा टक्कर कैसे लेता है। कौन है तुम? मैं पूछता हूं कौन है तुम? आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। मैं दिन रात गोलियों से खेलता रहता हूं और पछता भी रहता हूं। मंगल है नाम मेरा, कभी सुना था इतना प्यारा नाम? मंगल सिंह, राजस्थान का मशहूर डाकू। और तुम रॉकी, डाकू जनरल सिंह को गोलियां और बंदूकें तुम ही पहुंचाया करते थे, हाँ? तुम्हें ये सब कैसे मालूम? डाकू जनरल सिंह से मेरा गहरा ताल्लुक था। बचपन में मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया, मैंने उसे चाकू से मारा, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। वो एक तूफानी रात थी, हमें ले जाने वाली पुलिस गाड़ी दरिया में गिर गई। डाकू जनरल सिंह ने मुझे डूबने से बचा लिया और मैं उसकी गिरोह में शामिल हो गया।
तब मैं मंगल था और अब डाकू मंगल सिंह। क्या मतलब? माल तुम्हें पेशगी मिल जाया करेगा, तुम मुझे गोलियां और बंदूकें पहुंचा दिया करो, क्योंकि मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और गोलियां घटती जा रही। जनरल सिंह के फांसी लगने के बाद मैंने ये धंधा बंद कर दिया। तो फिर से शुरू कर दो, तुम्हें तो माल से मतलब है, हैं? अगर मैं इनकार कर दूं तो? बाबू, मेरा मकाम रेगिस्तान के पास है, जहां किसी को अगर छोड़ दिया जाए तो दहकता हुआ सूरज उसे भून के रख देता है और भूखे गीद उसे खा जाते हैं। बोलो। सारा प्लान अच्छी तरह याद है तुमको? बिल्कुल। राइट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। ऑलरेडी ये रहा पहचान का सिक्का। माल उतरने में अब दो मिनट बाकी, होशियारी से। यस बॉस। जाओ। ओके। राणा को मेरा सलाम बोल। Hands up! आप लोग अपने अपने हथियार फेंक देंगे? फेंक दो ना यार। अब आप लोग इस तरफ आ जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। क्या चाहते हो तुम? मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। टाइम है आपके पास? आइए। अब जाहिर है ऐसी बदतमीजी मैं आपके साथ तो कर नहीं सकता। आप ठहरे बड़े आदमी, आप जरा पिस्तौल पकड़ें। मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया। रानी तुम ये गाड़ी लेकर वो कच्ची सड़क पर निकल जाओ, मैं पुलिस को अपने पीछे लगा। संभल के गो। अरे
क्या बात है साहब, दरवाजा उधर है, आप इधर से तशरीफ ले आए। गब्बर सिंह, गब्बर सिंह, सभी जगह तलाश किया, उसका कहीं पता नहीं चला। यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। यस सर। बहुत खूब है जाने आलम, बहुत खूब। तुम्हारे दमकते हुए हुस्न को देखकर हम अपनी उम्र को 30 साल और पीछे ले गए। ये दिल तुम पे सब गए, ये जा तुम पे निशा। बड़े मियाँ, जरा इस कोटे की रौनक देखिए, जवानी का उबलता हुआ चश्मा देखिए, और फिर अपनी ढलती हुई उम्र को देखिए। बड़े मियाँ, इस सनम खाने की आपने सीढ़ियां कैसे पार कर ली? बूढ़े की रगों में खून नहीं सही, पिघला हुआ शीशा है। मगर इस फिरदौस में शीशे और तांबे की बातें कौन करे? यहां सिक्कों की झनकार सुनी जाती है ना। चलो जाने आलम, तुम्हारी जवानी पर ये कागजी पैरहन कुर्बान। आप तशरीफ रखिए लाला जी, यहाँ आप जैसे आने वालों के लिए हम पलकें बिछाते हैं। हम यहाँ आपकी पलकों पर बैठने के लिए नहीं आए, हम तो उस परी जमाल की आगोश में बैठने के लिए आए हैं।
मैं तुमसे इसलिए नहीं डरती कि इस इलाके पर तुम्हारी धाक है या तुम्हारी पीठ पर पुलिस वालों का हाथ है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे और रेशमा के प्यार का सोचती हूँ। तुम्हारी जोड़ी में मुझे मिर्जा साहेबा, हीरांझा और पता नहीं ऐसे कितने ही उजड़े हुए जोड़ों की झलक नजर आती है। मतलब की बात करो। एक तरफ तुम दोनों के प्यार को देखती हो, दूसरी तरफ मेरी अपनी जिंदगी भी है बेटा। ना जाने और कितने साल जीऊंगी, तब तक मेरा गुजारा कैसे होगा। तुम्हारे गुजारे के लिए मैंने तुम्हें रुपए देने का वादा किया, लेकिन लेकिन मुझे मोहलत चाहिए। अरे बेटा, इन छोटे छोटे चोरों चक्कों को पकड़ा करके सरकार तुम्हें जो कुछ देती है उससे होगा क्या? मुन्नी भाई, छोटी मछली के साथ कभी कभी बड़ी मछली भी फंसती है। मुझे भी ऐसी बड़ी मछली फंसने का इंतजार है। बाबू आओ। माल लाए हो क्या? बैठो बाबू बैठो। लो और सुनाओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? धंधा बहुत मंदा चल रहा है मंगल सिंह, शायद मैं तुम्हें और माल ना दे सकूं। डरो नहीं बाबू, तुम्हारी तरह ये भी मेरा दोस्त है। हाँ तो बोलो, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो तुम मुझे माल नहीं दे सकते? पुलिस तो पहले से हमारे पीछे पड़ी थी, अब रवि नाम का एक आदमी हमारे पीछे लग गया है। उसने शहर के बड़े से बड़े गुंडों और स्मगलरों को गिरफ्तार करवाकर इनाम हासिल किए हैं। बस एक आदमी से डर गए बाबू? तुम नहीं जानते, वो पुलिस का मुखबर है। वो खुफिया से खुफिया जगह पर पहुंचकर ऐसे गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है जिनकी जमानत भी नहीं हो सकती। अच्छा? हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए शहर आना जाना बंद कर दो। मंगल है नाम मेरा, सांप से खेलने वाले चूहों से नहीं डरते। Thank you.
राणा, जब से अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है, पुलिस के साथ साथ लोगों की नजरें भी तुम पर लग गई हैं। बेहतर यही होगा कि रुस्तम, हरिपुर वाली हवेली की चाबी मुझे दे दो। आई अप्रिशिएट योर जेस्चर माय डियर फ्रेंड। थैंक यू, गुड लक।
मुझे सजा दिलाकर बहुत खुश हो रहे हो तुम। इसका इनाम कितना मिला तुमको? लाख रुपए। बस इतनी औकात है तुम्हारी? रुपए का लालच नहीं है मुझे, मैं तो किसी के बताए हुए सिद्धांतों पर चल रहा हूं। तुम जैसे हैवान इस धरती पर बोझ हैं। तुम्हारे जेल जाने के बाद इंसानियत और शराफत सुख का सांस ले सके। धर्म की बात तो यह है भाई कि आज तक दुनिया में कोई जेल की दीवार इतनी ऊंची नहीं बनी जिसे राणा न फान सके। तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दें भाई, हम बहुत जल्द वापस आएंगे और जब वापस आएंगे तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि तुम्हारी पीढ़ियों तक किसी को नहीं मिला हो। आओ दरवाजे। कहते हैं जहां चाह वहां रह। बेटा तुम अब मैं रेशमा को ले जा सकता हूँ? बात तो खुशी की है बेटा, लेकिन बचपन से ताल पोस कर बड़ा किया है ना, दुख तो होगा ही। माँ जी मेरी बच्ची।
रुस्तम, तो क्या तुमने पूरा फैसला कर लिया है ये मुल्क छोड़कर जाने का? हाँ रानी, यहाँ की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए अपना पूरा जाल फैला चुकी है, और फिर अब तो राणा का साथ भी नहीं रहा, यहाँ रहना अपनी कब्र खोदने के बराबर है। रानी, इस बैग में 5,00,000 रुपया है, इसे तुम रख लो, और लोगों को मैं उनका हिस्सा दे चुका हूँ। गुड बाय रानी, जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। गुड लक कृष्ण। बाय। रोस्तम पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लाखों करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात लेकर अपने प्लेन में भाग गया, और हम कुछ ना कर सके। तुम उस कैबरे डांसर का किसी तरह भी पता लगाओ, शायद हमें उससे कुछ सुराग मिल सके। यह है डाकू मंगल सिंह, इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत ने 1,00,000 रुपए का इनाम मुकर्रर किया है। मंगल सिंह को गिरफ्तार करवाने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम। अब मंगल का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर मंगल होगा। रॉकी बाबू, मंगल के सर का इनाम लेने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। मंगल सिंह, हरी जा। ये छोरा कौन है? ये वही है रवि। तुमने सुना नहीं मंगल? हाथ ऊपर उठाओ। तो ऐसा बोलो ना बाबू, तुम्हारी इसी में खुशी है तो हम उठा लेते हैं हाथ। लेकिन बाबू, हम ज्यादा देर तक हाथ उठाने के आदी नहीं है, समझे? चलो फेंको। मंगल दो प्यार करने वालों को कभी जुदा नहीं करता। ए छोरे, तुझे भी इसके साथ साथ सजा मिलेगी। ठीक है मंगल, आज तू बाजी मार गया, लेकिन एक न एक दिन तुझे जिंदा जरूर पकड़ूंगा। तुम खुद जिंदा रहोगे तब ना। बोलो किसे मरना चाहते हो? खिड़की से कूद कर, गोली से, या गले में फंदा डालकर? मेरा ख्याल है गोली ही ठीक रहेगी। या सुराग अच्छा लगेगा या गाल पर? नाक पर? नहीं, आंख पर, क्योंकि ये आंखें बदमाशों को बहुत जल्दी पहचान लेती है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा थाईलैंड। तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन मैं तुम दोनों को जिंदा तपते हुए रेगिस्तान में छोड़ दूंगा, जहां का दहकता हुआ सूरज तुम दोनों को ढूंढ के रख देगा और भूखे गीत तुम्हें खा जाएंगे। Thank you.
दीवाने भाने भाने चले। क्या खत्म हो गई ना सारी मर्दानगी? भाने भाने थानेदार, तुम मुझे पकड़ना चाहते थे और मैंने तुम्हें आजाद छोड़ दिया। अब ये सारा रेगिस्तान तुम्हारा है। रेगिस्तान है, वह पानी बहुत कीमती होता है। पानी पानी सुनो, पानी की कीमत हुआ हीरे जवाहरात लाखों करोड़। कौन है तुम? मैं रुस्तम हूँ। रुस्तम? कौन थी इस मगर? कहाँ? इन्हें कहाँ है? वो सिर्फ मुझे मालूम है। कहाँ इन्हें? भाले, भाले। मैं पानी देता हूँ। इन्हें कहाँ है? यहाँ। जहाँ? जहाँ? जहाँ कहाँ? कहाँ? भाले। मैं पानी देता हूँ। पानी देता हूँ। इन्हें कहाँ है? रुस्तम। अरे रुस्तम। मैं पानी देता हूँ। पानी देता हूँ तुम्हें। पानी हीरे का है? हीरे का है? बोलो 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 आँखें बंद करो, आँखें बंद करो। बोलो, मैं पानी देता हूँ तुम्हें। पर नहीं, हाँ तो पर नहीं, मैं पानी लेता हूँ। अबे उठ, तू किधर जा रहा है? मैं पानी लेता हूँ। पर नहीं, मैं पानी लेता हूँ। तू बंद नहीं, मर रहा मत, मैं पानी ला रहा हूँ। अबे उठ, अबे उठ, हाँ रुक जा, रुक जा। मैं ला रहा हूँ पानी, मैं ला रहा हूँ।
ला रहा हूँ पानी, तुम मर रहा मैं सर, रुको मैं पानी ला रहा हूँ तेरे लिए। राम कौर, तू जगह बना, हट। कोई फायदा नहीं, अभी ये मर चुका है। हट जा, परे हट जा इससे, मैं कहता हूँ हट। मैंने तुझे कहा था मरना मत, कमीने, रुस्ता, मैंने तुझे कहा था मत मरना बोल। मुझे राज बताए बिना मर गया, मुझे राज बताए बिना कैसे मर गया तू? मर गया, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें कभी गोली नहीं मारता। क्यों क्यों नहीं मारता? अगर मैं मर गया तो इसके करोड़ों लाखों हीरो का राज तुम्हें कौन बताएगा? रोस्तम का राज तुझे मालूम? ए बाबू किधर है? रोस्तम ने क्या बताया तुझे? पानी, पानी, हाँ पानी, पानी, मैं पानी देता हूँ, पानी दे तुझे, तुझे पानी देता हूँ, इधर का, इधर का, पानी, पानी, अभी पानी देता हूँ, ये तुम बनामाल, बनामाल, मैं पानी देता हूँ, पानी देता हूँ, ये ले, ज़्यादा मत पीना, ज़्यादा मत पीना, हे भगवान, हे भगवान, रोस्तम तो गया, लेकिन ये खजाना बताने से पहले मर गया, मेरा क्या होगा? मैं पानी देता हूँ तुझे, ये मेरा भाई है भगवान, हे प्रभु इसको बचा लो, हे भगवान मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, इसको बचा लो भगवान, मैं थोड़ी देर के लिए बचा लो, मत बाहर रखो इसके लिए, बोल बोल क्या बोला? रेशमा, हाँ हाँ रेशमा, मैं तेरे को रेशमा के पास ले जाता हूँ। तुमने मरने से पहले यह कंपास देकर मुझे कहा था कि कुछ दिनों पहले पश्चिम की तरफ उसका प्लेन गिर गया था। उस प्लेन में लाखों करोड़ों के हीरे हैं, जिसे मुझे हासिल करके पुलिस के हवाले करना होगा, साथ में मंगल को भी। ले लो बाबू, गरम गरम चाय। तुम भी लो पियो बाबू। मैंने तुम्हारी रेगिस्तान में कितनी सेवा की है, तुमको अपना दोस्त बनाया, तुम दोनों की जान बचाई है ना, अब तुम मुझे बता दो रुस्तम ने रेगिस्तान में हीरे कहाँ छुपाए हैं? मंगल, अगर तुझे मैंने हीरों का राज बता दिया तो तू हमें अपने गोले का निशाना बना देगा, इसलिए तू अपनी पिस्तल में हवाले करते हैं। बाबू तुम मजाक बहुत करते हो, अब भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, और तो और भगवान के सामने तुम्हें अपना भाई बनाया है, है? क्या भगवान मंगल, अगर तुम हीरो का राज जानना चाहते हो तो पिस्तल और ये गोलियां मेरे हवाले कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ये पिस्तौल और गोलियां मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये तो हमारी रखवाली के लिए है, हम तीनों की रखवाली के लिए, ये लो। और तो और बाबू मैं तुम्हें हीरो में से हिस्सा भी दूंगा। चाय पियो रिश्वा, चाय। पापा जी तुहानू ये जान के बड़ी खुशी होएगी कि आज तो बात तुहानी मालिश पन। अबे दिन भर गया क्या? ओह तुसी समझे नहीं, दरअसल गल ये है कि साडे बादशाह छोटी जेल चो निकल के ऐस वड्डी जेल विच आ रहे ने। क्यों, पहले वाली जेल में राशन कम हो गया है क्या? ओहो मतलब है नहीं, दरअसल साडे बादशाह नु हवा पानी बदलन दा बड़ा शौक है। बाद बामलायदा होशियार, कदम बोसी के लिए तैयार, बादशाहों के बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ के जेलर साहब बहुत सख्त आदमी है, कोई दंगा फसाद नहीं करना। राणा हर जेल की रोटी का जायका जानता है, तुम शायद इस जेल में नए आए हो, तुम्हारा काम हो गया है, जाओ। और सुनो, हमें सोने से पहले दूध पीने की आदत है, और दूध गर्म होना चाहिए, जाओ।
जय हो जय हो बादशाह पापे, हम सब प्यादे जेल में आपका स्वागत करते हैं। हमने जब भी जिस जेल में कदम रखा है वहां के हर कैदी ने, चाहे उसे उम्र कैद की सजा मिली हो या सजाए मौत, हमारा उठकर बड़े अदब से स्वागत किया है। लेकिन ये गुस्ताख कौन है? आज यहां हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। वैसे आपका परिचय? इस जेल का बादशाह। मगर एक जेल में दो बादशाह हुकूमत नहीं कर सकते। बहुत जान लगती है। बोल, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? वही सलूक किया जाए जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए, मिलाओ हाथ। बस 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 भाई, मान के बादशाह, क्या मैं पूछ सकता हूँ सरकार की हुकुमरी यहाँ कितने दिन की है? हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। प्यादो, हम बादशाह सलामत आराम फरमाएंगे। तख लिया, जाइए जाइए। तख लिया, जाइए जाइए। नीचे उतरो, नीचे उतरो, जल्दी नीचे उतरो। छुप जाओ। रॉकी बाबू, रॉकी बाबू, रॉकी बाबू। अरे हम कुछ और ही समझ बैठे थे बाबू। ये दोनों अभी तक जिंदा है? ये दोनों लोग? अरे बाबू, ये हमारे साथी बन गए हैं। लेकिन तुम रेगिस्तान में कैसे? मंगल सिंह, मैं तुम्हें खबर देने आया था कि रुस्तम के हीरे रेगिस्तान में कहाँ छुपे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? रागी बाबू, रुस्तम ने मरते वक्त थानेदार बाबू को सब बता दिया कि हीरे कहाँ छुपे हैं। हम सब वही ढूंढने जा रहे हैं। हाँ, तुम घबराओ मत, हम तुमको भी हिस्सा देंगे। तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हीरो की परख तो तुम ही को है। मंगल सिंह, तुम बहुत अच्छा दोस्त है। चलो।
रुके। मंगल सिंह, यही है रुस्तम का प्लेन, इसी में हीरे हैं। बड़ी मेहनत की मंगल सिंह, मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। मंगल, हाथ ऊपर करो। मंगल हाथ ऊपर करो। थानेदार बाबू, मैंने कहा था ना कि मैं हाथ ऊपर उठाने का आदि नहीं हूँ। तुम कहते हो तो एक हाथ उठा लेता हूँ, दूसरे हाथ में तो गोलियां हैं और तुम्हारी पिस्तौल खाली। मंगल है नाम मेरा, एक कदम भी आगे बढ़ा तो तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। मंगल, ये मेरा रिवाल्वर तुम्हारे पास कैसे? कल रात पड़ाव में जब तुम सब लोग सो रहे थे और हीरों के सपने देख रहे थे, मैंने उस पिस्तौल में से ये गोलियां और तुम्हारी जेब में से ये पिस्तौल निकाल ली थी। वेरी गुड, वेरी गुड। मार डालो इन दोनों को, बाद में हम हीरे आधे आधे बांट लेंगे। मार डालो। एक तो तुम गोलियां महंगी देते हो और फिर वो इन चूहों पर बर्बाद करो। जाओ तुम वोट लेकर आओ। बिल्कुल असली। ये तुम्हारे, ये मेरे ये तुम्हारे, ये मेरे। क्योंकि बाबू, अच्छी तरह से जांच कर लो इस माल की, इन पत्थरों की परख तो तुमको ज्यादा है। ये तुम्हारे, ये मेरे। मैं तुम्हारी लाई हुई गोलियों की परख कर लूं। चलो चलो। गोरा, बाबू की लाई गोलियां तो ला, देखे असली है कि नहीं। असली है, बिल्कुल असली। ये मेरे, ये तो ये क्या मजाक है मंगल सिंह? गोलियां आजमानी है तो बाहर जाकर किसी शेर पे आजमाओ। सरकार ने शेर मारने की मनाही कर दी है बाबू। तो किसी गीदड़ को मारो। वही कर रहा हूं। सर, राणा जेल से भाग गया। क्या? रवि, मैंने कहा था बादशाह वापस आने वाला हूं। सामने आ।
वीर। रुक तो गए बाबा, बचाओ ना। बस जी भर गया बाबा। ये धुन तुमने किसे सीखी? रवि से, एक ऐसे इंसान से जो लोगों पर उपकार करता आया है। रवि कहता था ये धुन उसने अपने भाई से सीखी है। वो हमेशा अपने भाई की याद में तड़पता रहता है और वो कहता है जिस दिन उसे उसका भाई मिल गया वो उसको गले लगाकर कहेगा, भैया जो शिक्षा तुमने अपने मुन्ना को दी थी वो उसको आज तक निभाता आया। ये सुनकर मेरे भैया का सर फख्र से ऊंचा उठ जाएगा। बाबा इस वक्त रवि कहां है? कुछ दिनों से नजर नहीं आया, किसी चोर बदमाश को पकड़ने गया होगा। लेकिन तुम कौन हो? मैं एक पापी हूं बाबा, जिसके साये से लोग डरते हैं, जो जेल तोड़कर सिर्फ इसलिए भागा है कि रवि का खून कर सके। तुम? हाँ बाबा, मैं राणा हूं, बदकिस्मत राणा, जिससे रवि नफरत करता है। जब उसे मालूम होगा कि मैं वही हूं जो हमेशा उसे नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा दिया करता था, क्या गुजरेगी उस पर? उस मासूम का दिल टूट जाएगा। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उससे दूर चला जाऊंगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चला जाऊंगा। तुम अगर चले जाओगे तो रवि को कौन बचाएगा? जानते हो रवि और रेशमा को डाकू मंगल सिंह उठाकर ले गया। क्या तुम मंगल सिंह का अड्डा जानती हो? आज तक उसके अड्डे का किसी को पता नहीं चला, लेकिन इतना मालूम है रामपुर गांव के आसपास कहीं मंगल सिंह का अड्डा है। मंगल सिंह? मंगल, इस नाम से मुझे बचपन से बैर है। मैं अपने भाई को मंगल से बचा के लाऊंगा। कौन हो भाई? आप डाकू मंगल सिंह का अड्डा बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। हरिया, तेरे बाप ने मंगल सिंह के खिलाफ बोलने की कोशिश की तो उसने तेरे बाप को गोली मार दी, अब तू मरना चाहता है? डरो नहीं, मंगल सिंह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं पुलिस को लेकर आऊंगा यहाँ, बस उसका अड्डा बता दो। क्या तुम पुलिस के आदमी हो? ऐसे ही समझो। अच्छा तो वो छोरा बच निकला, बड़ा सख्त जान है। हाँ सरदार, वो हर गांव वाले से हमारे डेरे का पता पूछ रहा था। फिर गांव वालों ने डर के मारे बताया नहीं। हम उसे अपना डेरा बताएंगे। वो पुलिस का आदमी किधर है? बोल। हमें नहीं मालूम। बचते हो कमीनो, तुम लोगों ने उसे इस गांव में छुपा रखा है। कलवा, एक एक घर में घुसकर तलाशी लो। हाँ
के एक एक घर को जलाकर कब्रिस्तान बना दो। जाओ। क्या हुआ भाई, ये सब क्या हो रहा है? ये डाकू मंगल सिंह के आदमी है। हम लोगों ने एक पुलिस वाले को पनाह दी थी, डाकू मंगल उन्हें उठा के ले गया। कौन था वो? उसने अपना नाम रवि बताया था, उसके साथ एक लड़की थी रेशमा। वो ये कह रहे थे कि डाकू मंगल सिंह ने हमारे हीरे छीनकर हमें रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। तुम फिक्र मत करो, इन डाकुओं से मैं निपटूंगा। यो थानेदार साहब, तुम मंगल सिंह का डेरा देखना चाहते थे ना? देख लो, यही है मंगल सिंह का डेरा। पसंद आया? क्यों, हीरो के लिए? तुम्हें जिंदा पकड़ने के लिए। मंगल को जिंदा पकड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। ले जाओ इसे और गाड़ दो जमीन में। बहुत प्यार करती है थानेदार से। बोल। तो अब बोल, क्या सलूक करूं थानेदार से? कमीने कुत्ते! मंगल है नाम मेरा, कभी सुना है इतना प्यारा नाम? बहुत दिनों से मेरे साथियों ने नाच गाना नहीं देखा, जरा आज इनका दिल तो बहला दे। नहीं रेशमा! इसकी बातों में मत आना, वरना तुम बहुत पछताओगी। नहीं नाचूंगी, कभी नहीं नाचूंगी। तुम नाचोगी और जरूर नाचोगी। भीमा, जरा नागराज लाओ। नागराज, बहुत दिनों से तूने किसी इंसान को जहर नहीं पिलाया, जाओ। Thank you.
मंगल सिंह, अपने आदमियों से कहो अपनी बंदूकें फेंक दें। हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे सरदार को यही ढेर कर दूंगा। कौन फेंक दो बंदूकें। गांव वालों हथियार संभाल लो और इन सबको बांध दो। पिस्तौल संभाल ले। मंगल सिंह, जिन हाथों से हीरो के थैले रवि से छीने थे उन्हीं हाथों से वापस कर दे, वापस कर दे। भीमा, अंदर से हीरो के थैले लाओ। ये रही तेरी अमानत। मंगल सिंह अपने हाथों से उठाकर दे दे। तुम मेरे रणवीर भैया हो ना? हाँ हाँ, तुम मेरे रणवीर भैया हो। नहीं, झूठ मत बोलो। मैं बचपन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। और आज जब तुम मुझे मिले हो तो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मुन्ना, तेरा भाई भले ही तुझे न पहचाने लेकिन मैं तुम दोनों को पहचान गया हूँ। अरे तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से पहचान लो। मंगल है नाम मेरा, कभी सुना है इतना प्यारा नाम? याद दिला दो। मैं हूं तुम्हारे बचपन का दोस्त। मैं तुझे निपट लूंगा कमीने, छोड़ूंगा नहीं। Thank you.
मंगल है नाम तेरा। हाँ कमीने उठ, तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया। हमारी मां मरे तेरी वजह से, भाई बिछड़ गए। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, भैया छोड़ दो इसे, कानून इसे सजा देगा। भैया कानून मुझे नहीं छोड़ेगा मुन्ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया छोड़ दो इसे, तुम्हें मार के कसम। मुन्ना देख लिया कैसे क्या हो गया हूं मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। भैया पासा ऐसे पलटता है, अब ये हीरे फिर से मेरे और इस बंदूक में दो गोलियां तुम दोनों के लिए। रवि अब तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। नागराज मैंने जिंदगी भर तुझे दूध पिलाया और तूने मुझे जहर पिलाया। एक पापी तो खत्म हो गया, दूसरा तेरे सामने खड़ा है, तेरा अपना भाई। ले मुन्ना गिरफ्तार कर ले मुझे, आखिरी बार हथकड़ियां पहना दे मुझे, बस आखिरी बार। रवि डाकू मंगल सिंह और उसके ग्रोह को गिरफ्तार करा के तुमने इतना बड़ा काम किया है जिसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। साहब वो इनाम आप डाकू मंगल सिंह के सताए हुए लोगों में बांट दीजिए। मुन्ना भैया बरसों बाद मिले भी तो बिछड़ने के लिए। बिछड़ने के लिए नहीं मेरे भाई, फिर मिलने के लिए। अफसोस तो एक ही बात का है मुन्ना, जिस रास्ते पे चलने की हमेशा तुझे शिक्षा देता रहा, खुद उस रास्ते पे नहीं चल सका, ठोकरें खाता रहा, संभलने की कोशिश की मगर उस दलदल में फंसता चला गया। भैया मैं तुम्हारे नेक और सच्चा होने की जमानत दूंगा, मैं जमानत दूंगा। नहीं मुन्ना नहीं, मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं। तूने मुझे उस दलदल से निकाल दिया मेरे भाई, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है मुन्ना।